नमस्कार, मैं हूं चांदनी सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मोती नगर के रोड शो के दौरान एक युवक ने आकर थप्पड़ जड़ दिया। आपको बता दें कि इस थप्पड़ के बाद जैसे कि राजनीति में भूचाल आ गया हो। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा है, इससे पहले भी कई बार उन्हें थप्पड़ लग चुका है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पे लाल मिर्च पाउडर भी फेंका गया था। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल की हत्या करवाना चाह रहे हैं, तो वहीं आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा था कि ये बीजेपी का कारनामा है और बीजेपी ही बार बार अरविंद केजरीवाल पर वार करवाते हैं। तो वहीं इस बीच जो युवक ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, उस युवक का बयान आया है। आपको बता दें, युवक ने मीडिया से बातचीत करते हुए उस युवक ने ये कहा कि मुझे नहीं पता है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ क्यों मारा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये अफसोस मुझे तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने मुझे समझाया कि तूने जो किया वो गलत था। इसके बाद मैं अरविंद केजरीवाल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो गलत है और मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी वाले ने इस तरह का जो बार बार अरविंद केजरीवाल का थप्पड़ पड़ते हैं ये सब बीजेपी वाले करवाते हैं, और ऐसे में इस जो युवा का बयान है ये सीधे तौर पर अब देखा जा सकता है कि युवा को ना किसी ने कहा था थप्पड़ मारने को और ना ही उसने किसी पार्टी से जुड़कर ये किया है। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली 99।